और आज सभी लोग अपने नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी के मुख्य कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, कार्यालय का उद्घाटन। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अत्याचार के विरुद्ध, जन सामान्य की मूलभूत नागरिक सुविधाओं के मुद्दों को लेकर नगर निगम के चुनाव में मजबूती के साथ उतरी है। हमारी मेयर प्रत्याशी हैं श्रीमती पुष्पा रावत जी, और हमें पूरी तरीके से ये विश्वास है कि जो जनता का पूरा विश्वास बीजेपी ने पिछले 5 सालों में नगर निगम के घोटालों, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी के द्वारा तोड़ा है, उसके विरुद्ध हमारे प्रत्याशी एक मजबूत विकल्प के रूप में आएंगी और गाजियाबाद को एक नए सुंदर और विकसित स्मार्ट सिटी के एक्चुअल नेम में परिवर्तित करने में हमारी प्रत्याशी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ पूरी तरीके से सफल और सही उतरी। मैं पुष्पा रावत जी से चाहती हूँ कि वो आगे पहले हमारी सबसे ज़्यादा विकास किए हुए हैं कि नाली, फरंजे, सिल्वर लाइन, इनका निर्माण करवाना जो अभी तक हुए नहीं है, होते हैं पर हर बारिश में बरसात में वो टूट जाते हैं, फिर ढंग से करवाना उनका निर्माण। अभी तक कांग्रेस से कोई जनता ने कुछ सोच के ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया हुआ कि कोई उन्हें बीजेपी की टक्कर देने वाला प्रत्याशी नहीं। अगर जनता ने बीजेपी को चुना भी तो 25 साल में बीजेपी ने किया क्या है? हर वार्ड में कूड़ा है, हर नाली खुली हुई है, कहीं पर भी गड्ढा मुक्त सड़क आपको गाजियाबाद में नसीब नहीं है। जाम की वो हालत है कि आप कहीं पहुंचना चाहें तो टाइम पर मेयर साहिबा की कृपा से कभी नहीं पहुंच सकते। रेड़ी पट्टी वालों के पास नियमित बाजार नहीं है कि वो अपना रोजगार कर सके। जीवन की आवश्यकताएं छोड़िए, शमशान घाट पर भी सुविधा देने में हमारी मेयर और 25 साल से बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। हम इन सारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, इन मुद्दों के साथ जनता के पूरे विश्वास को लेकर निगम चुनाव में उतरे हैं और मुझे विश्वास है जनता अपना पूरा आशीर्वाद मेरे प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा रावत जी पर दिखाएगी और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ निगम पर अपना कब्जा करेगी। किससे मुकाबला हुआ? किसी से नहीं, हम मुकाबला किसी से नहीं मानते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी आगे आए जो जनता का काम करे। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, बस अब जो आए हैं घंटे की चोट पर आए हैं, क्योंकि सारी पब्लिक परेशान है, कार्य होते नहीं हैं पूरे, कागजी कार्रवाई कभी होती है, सबकी फाइलें दबी हुई हैं। बस हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपकी जनता ने पुष्पा रावत को मेयर चुना तो सबसे पहले वही फाइलें खुलेंगी और वहीं पर ही काम किया जाए। मेन मुद्दा सबसे पहले तो यही रहेगा कि नाली बनेंगे, सीवर लाइन का वो बनवाना। दूसरा मुद्दा रहेगा कि युवा जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम गवर्नमेंट का था हमारे पास, वो भी उन्होंने प्राइवेट में कर दिया है, जिससे बच्चे दिल्ली खेलने जाते हैं, कोई साहब दिल्ली के जो जगह जाते हैं, कोई कहीं जाता है, क्योंकि अपने शहर में नहीं है कोई भी। सबसे पहले हम यही बनवाना चाहेंगे, बच्चों के स्टेडियम बने, 4 नदी इंडन पार बने 4 यहाँ बने, जिससे कि बच्चे खुश होकर करें, क्योंकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हमारे प्लेयर निकल के आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता। नंबर दो, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी नगर निगम के जो स्कूलों की हालत है वो सबको वाकिफ है, सभी वाकिफ है उससे। और हमारा ये है कि जहाँ पर जिन वार्डों में नहीं है नगर निगम के स्कूल, वहाँ पे स्कूल बनवाए जाए और जिनकी जो जिनकी हालत सही नहीं है उनकी मरम्मत कराई जाए। दूसरा, सबसे पहली बात आती है प्रदूषण का है। कहा गया था कि मिनरल वाटर तो जो कि अभी तक नहीं हुआ है वो काम, तो और प्रदूषण के लिए जो ये उपयोग चल रहे हैं, उनमें ये धुआं आता है इतना, उनके लिए हम चाहते हैं कि सीवर वो जो टैंक होते हैं वो बनवाए जाएं, जिससे कि वो प्रदूषण उसी में जाए, ज़्यादा प्रदूषण ना हो। नंबर दो, लाइब्रेरी बनवाना चाहिए। और युवा पीढ़ी तो सबसे ज़्यादा नाराज इसीलिए है कि उनके लिए जो है वो सुविधाएँ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, सब आजकल यही है कि रिश्वत हो रही है। हमारे देश के नेता कहते हैं कि रिश्वत नहीं, पर गोपनीय रूप से सब रिश्वत ले रहे हैं और काम कर रहे हैं।
महिला तो अपने में बोल्ड है, महिला सुरक्षा को लेकर अगर सही मायने में मानो तो महिला ही शक्ति का रूप है और महिला अपने में संपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि वो सब महिलाएं एक साथ होके, ऐसे नहीं कि महिला काली भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, तो महिला अपने में सक्षम है। हमारे साथ तो सभी हैं, पुरुष वर्ग भी है। आपके ये जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे हमारा मन गदगद इसलिए हो रहा है कि सब हमारे साथ है, वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, वो चाहते हैं कि हमारा मेयर ऐसा हो जो कर्मठ हो।